दोस्तों, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप एनडीए या फिर आईआईटी जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं 2024 के एग्जाम के लिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करके देखें। ये जो हॉट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इससे पहले हम 17 सेट से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जरूर ट्राई करें एक बार। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारा, ये क्या बोल रहा है, इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये जो काफी लंबा चौड़ा फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसकी डोमेन आपको बतानी है। मतलब डोमेन आपको गिवन है अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में, इस फॉर्म में गिवन है, तब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई सीधी सी बात है, आपको पहले यहां से अल्फा बीटा गामा और डेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तब फाइनल इसका हमारे पास रिजल्ट आएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये आपका 8 अप्रैल 2023 को और एनडीए के अंदर 2022 में आ चुका है। ठीक है, ये फोर ऑप्शंस आपको गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन क्वेश्चन खुद बोल रहा है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि क्या करना है भाई, आपको क्या गिवन है, डोमेन। तो आप इस फंक्शन की क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डोमेन, और उस डोमेन को इससे कर लेंगे कंपेयर। आपको अल्फा बीटा गामा डेल की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब बात आती है कि इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, तो वन बाय वन लेते हैं। पहले हम इस केवल लॉगरिथमिक फंक्शन को लेते हैं, ठीक है। थ्योरी मैंने कराई है, आप थ्योरी की वीडियो जरूर देखें, तभी आपको क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। मैंने वन शॉट के अंदर रिलेशन, सेट और फंक्शन तीनों को कवर किया है, तीनों पर एक एक वीडियो है, ठीक है। फंक्शन पर दो है, सॉरी, दो पार्ट में कवर किया है, लेंथी था थोड़ा फंक्शन। तो पहले हम इस लॉगरिथमिक फंक्शन को सोल्व करते हैं। देखिए, इसका जो बेस है ना वो ई है, तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। अब हमें इसके आर्ग्यूमेंट को देखना है, केवल इसको देखना है। ये जो है ना, ये आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। आपने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाया है तो आपको याद होगा कि जो ये आर्ग्यूमेंट होता है, ये आपका जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले तो देखते हैं हम। यहां पर है हमारे पास ये 6x² + 5x + 1 / 2x - 1। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप फुल स्क्रीन में वीडियो को देखें, तब क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये जो आपका है, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए भाई। तो रूल हमने पढ़ाया, नंबर लाइन रूल जो है हमारा, वो हम यूज करेंगे। उसके लिए आपके पास न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों के फैक्टर होने जरूरी है। तो हम न्यूमिनेटर के फैक्टर कर लेते हैं, ये तो पहले ही लीनियर है, ठीक है। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं भाई। इसके फैक्टर करने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट होना चाहिए 6, ठीक है। स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, स्प्लिटिंग मिड टर्म हम यूज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट 6 होना चाहिए और सम जो है 5 होना चाहिए। तो 3 2 6 होता है और 3 और 2 5 होता है। तो 3 और 2 में हमने इसको ब्रेक कर लिया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया आपका 2x - 1, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब कॉमन वोमन कर लेते हैं, यहाँ से 3x कॉमन हो रहा है इन दोनों में से, तो यहाँ से बचेगा आपके पास 2x + 1, और इसमें से 1 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर भी बचेगा 2x + 1, ठीक है। और अपॉन में क्या बचा हुआ है आपके पास, 2x - 1, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। अब 2x + 1 को भी हम कॉमन आउट कर लेते हैं, यहाँ से 2x + 1 को हमने कॉमन आउट कर लिया, तो यहाँ से मिलेगा आपको 3x + 1, और अपॉन में क्या बचा है, 2x - 1 ग्रेटर देन 0। लेकिन नंबर लाइन ये कहती है कि नोमिनेटर हो चाहे डेनोमिनेटर हो, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी जीरोज निकाल लेंगे, जीरो से इक्विलेट करा के। तो अगर आप इसको जीरो से इक्विलेट कराएंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू -1/3 मिलेगी। इसको आप जीरो से इक्विलेट कराएंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आपकी 1/2 होगी, ठीक है। याद रखेंगे, डेनोमिनेटर कभी कभी जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो निकालने के लिए जीरो से इक्विलेट कराया है, 1/2 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। यहां से इसको जीरो से इक्विलेट कराते हैं तो यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी वो आपकी क्या मिलेगी, -1/2 मिलेगी। अब इसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमने एक नंबर लाइन बना दी है, ये -∞ से +∞ हो गया, और इनको आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा आपका -1/3 - -1/2, 0.5 होता है ना ये, और ये 0.3 होता है। तो पहले ये आएगा, -1/2 दिखा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। फिर आएगा आपका -1/3, और फिर आएगा प्लस का 1/2, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है नंबर लाइन में ये। अब इनको देंगे हम साइन। तो साइन आपको कहाँ से शुरू करनी है, देखिए ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से शुरुआत करनी है। यहाँ लिखेंगे हम पॉजिटिव, फिर लिखेंगे नेगेटिव, फिर लिखेंगे पॉजिटिव, फिर लिखेंगे नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव वाले होंगे ना, वो आपके सॉल्यूशन होंगे इसके लिए। तो पॉजिटिव वाला एक तो देखिए ये है, और एक पॉजिटिव वाला ये है, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा -1/2 से -1/3 तक, और दूसरा यूनियन लगाएंगे, ठीक है। एक ही केस की बात हो रही है, यूनियन या तो ये, या का मतलब यूनियन, ठीक है, या मतलब और का मतलब यूनियन। तो यहां पर दूसरा क्या होगा, 1/2 से +∞,
ओपन इंटरवल क्यों लगाए मैंने, क्योंकि ये यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं था, मतलब जितनी भी ये जीरो हो जाए ये इंक्लूडेड नहीं होगी, केवल इन इंटरवल के बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करने से, लॉगरिथमिक फंक्शन को सोल्व करने से ये हमें सोल्यूशन मिला है। इसको मैं साइड में अलग से लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री और यूनियन क्या मिला, वन बाई टू और प्लस इन्फिनिटी, ये सोल्यूशन मिला। अब हम कोस इनवर्स को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, रेंज नहीं सॉरी डोमेन, डोमेन क्या होती है, यहां पर जो कोस इनवर्स दिखाई दे रहा है तो ये इसका एंगल है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये कहां से कहां तक लाई करेगी, तो आपको पता है कि कोस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो माइनस वन टू प्लस वन होती है, मतलब ये जो फंक्शन है आपका ये माइनस वन से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, इंक्लूडेड होता था माइनस वन, मैं यहां पर बता देता हूं आपको कि अगर कोस इनवर्स आपके पास है ना तो ये जो एक्स है ये माइनस वन से ग्रेटर और इक्वल होगा और प्लस वन से लेस और इक्वल होगा। ये डोमेन होती थी, कोस इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों की सेम होती थी, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है आपका 2x square minus 3x plus 4 upon 3x minus 5, ये इस रेंज में लाई करना चाहिए minus 1 से plus 1 के बीच में। अब 1 by 1 इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, पहले मैं इसके साथ minus 1 के साथ लेके चल रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं भाई, minus को मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x square minus 3x plus 4 upon 3x minus 5 और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन, इस चीज को मैंने इधर और उसको उधर लिखा है, बिल्कुल एज इट इज है, कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब मैं माइनस के वन को ले आता हूं इधर, तो यहां पर होगा मेरे पास टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स माइनस फाइव और प्लस वन हो जाएगा ये, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम लेंगे तो थ्री एक्स माइनस फाइव, ठीक है, यहां से बचेगा आपका टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, इसको वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आएगा 3x माइनस 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखिए 3x से 3x कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा हमारे पास 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 5 है, तो यहां से बचेगा माइनस का 1 अपॉन में क्या बचेगा 3x माइनस 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था नंबर लाइन का यूज करना है तो फैक्टर करने पड़ेंगे, तो भाई इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो इसके फैक्टर आपको करने हैं, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे आपके रूट टू एक्स माइनस 1 और रूट टू एक्स प्लस 1। ठीक है, और अपॉन में क्या था मेरे पास 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 और ये क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखिए 2 को मैं लिख सकता हूं, 2 को मैं लिख सकता हूं रूट टू और उसका होल स्क्वेयर। ठीक है, इस 2 को मैं रूट टू और उसका होल स्क्वेयर लिख सकता हूं, और 1 का स्क्वेयर अपनी तरफ से लिख के मैंने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई की है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, आप ये चीज समझ गए होंगे। अब इनकी निकाल लेते हैं जीरोज, तो इसकी जीरोज निकालेंगे तो यहां से आएगा 5/3, इसकी जीरोज निकालेंगे x की वैल्यू आएगी माइनस वन बाई रूट टू, इसकी जीरोज निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस वन बाई रूट टू। याद रखिएगा यहां इक्वल टू का साइन है, तो ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है, क्योंकि न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है लेकिन डेनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, तो ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं इसको। देखिए तो आप देखिए पहले क्या आएगा भाई, सबसे पहले तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ये आएगी माइनस वन बाई रूट टू आएगा। ठीक है, उसके बाद 5/3 होता है 2 पॉइंट समथिंग और 1/√2 होता है 0 पॉइंट समथिंग, 0.7 के आसपास आएगा, तो सीधी सी बात है पहले 1/√2 आएगा और फिर आएगा आपका 5/3। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर अल्टरनेट साइन दे लेते हैं हम, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव लिखेंगे यहां, फिर लिखेंगे नेगेटिव, फिर लिखेंगे पॉजिटिव, फिर लिखेंगे नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होगा, मतलब ये और इधर प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, और इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो एक ये वाला हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये दोनों इंक्लूडेड थे, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो एक्स की वैल्यू 1/√2 और माइनस 1/√2 हो सकती है, न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है लेकिन डेनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए हम लगाएंगे स्क्वेयर ब्रैकेट, यानी कि माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2 तक एक इंटरवल ये बन गया, और दूसरा इंटरवल ये, लेकिन इसमें 5/3 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, एक्स की वैल्यू अगर 5/3 रखेंगे तो डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे आप, डेनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, तो 5/3 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लगाया है। ठीक है, और इधर क्या लिखूंगा प्लस इन्फिनिटी, और दोनों में क्या लगा दूंगा यूनियन। तो एक कंडीशन ये आ गई हमारे पास, मान लीजिए ये एस वन आ गया, ये एस टू आ गया। ठीक है, ये केवल मैंने इतना सोल्व किया था, अब इसके साथ सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड वाली कंडीशन को सोल्व कर लेते हैं भाई, इसके साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर अपोन
3x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू क्या था, 1। इस 1 को मैं इधर ही ले आता हूँ, इधर लेके आऊँगा, माइनस का 1 हो जाएगा और लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो एलसीएम लेंगे तो ये होगा आपका 3x माइनस 5, और एलसीएम हो गया तो इसके साथ सोल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 HDJ, और इसको 1 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आपको मिला 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस 6x प्लस 4 और प्लस 5 प्लस 9, और अपॉन में क्या हो गया भाई, 3x माइनस 5 और लेस देन इक्वल्स टू 0। देखिए भाई, इसके जो रियल फैक्टर है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये हमेशा आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। आप x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो इसका मतलब भाई, ये यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू, तो 0, इसका मतलब तो केवल यही नेगेटिव हो सकता है, 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये केवल आपका नेगेटिव हो सकता है। अगर इसके रियल फैक्टर हो रहे होते ना तो हम सेम वैसे ही करते जैसे अब तक करते आ रहे हैं, लेकिन इसके रियल फैक्टर हो नहीं रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो आप सीधा चेक कर ले कि ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है, न्यूमिनेटर इसका ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू आप एक कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव केवल किसकी वजह से होगा, क्योंकि यहाँ लेस देन लिखा है, तो नेगेटिव केवल इसकी वजह से होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई 3x माइनस 5 लेस देन क्या रहेगा, 0। इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3x लेस देन क्या हो जाएगा, 5, तो x लेस देन क्या हो जाएगा आपका, 5/3। तो ये कंडीशन आपके पास आई, ठीक है, x की वैल्यू 5/3 से लेस, 5/3 से लेस मतलब किधर, माइनस इन्फिनिटी तक। तो आप लिख सकते हैं कि भाई माइनस इन्फिनिटी टू 5/3, और ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है। तो S3 जो कंडीशन है वो आपके पास क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से 5/3। अब इन तीनों को हम करेंगे इंक्लूड। देखिए, अगर किसी एक ही फंक्शन को आप सोल्व कर रहे हैं, जैसे इसको हमने सोल्व किया था, तो उसमें हो था क्या, इसको जब हमने सोल्व किया अलग अलग दो कंडीशन लगाई थी, जैसे ये इंटरवल आए थे हमारे पास, तो हमने क्या लगाया था, यूनियन। तो यूनियन कब लगता है, इंटरसेक्शन कब लगता है, किसी एक ही कंडीशन को जब आप सोल्व कर रहे हैं कि या तो ये होगा या ये होगा, या यानी कि और का मतलब क्या होता है, यूनियन। अगर दो या तीन अलग अलग कंडीशंस को आप कंबाइन कर रहे हैं तो आप हमेशा क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। सीधा सीधा इनका इंटरसेक्शन ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप नंबर लाइन की हेल्प से भी इनका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। कैसे, हम क्या कर रहे हैं भाई, सबसे पहले हम S1, S2 और S3 इन तीनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे इनको प्लॉट कर लेते हैं, सबसे आसान तरीका ये रहेगा। तो यहाँ पर हो गई आपकी माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर हो गई ये प्लस इन्फिनिटी, इन सभी वैल्यू को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा देते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, सबसे पहले आपका माइनस में आएगा, यहाँ से ये होता है आपका 0.7 के आसपास, ठीक है, ये 0.3 0.5, तो -1/√2 पहले आएगा सबसे, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/√2, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका -1/2, फिर आएगा आपका -1/3, फिर आएगा आपका 1/2, ठीक है, फिर आएगा 1/√2, और फिर आ जाएगा आपका 5/3। अब 1/1 इन इंटरवल को दिखाते हैं, देखो पहले ये दिखाते हैं -1/2 से -1/3, तो -1/2 यहाँ पर है, ओपन इंटरवल है इसलिए हमने ऐसे लिखा, ठीक है, ये भी ओपन इंटरवल है, तो एक तो ये आ गया, ओपन हो तो ऐसे खाली छोड़ देना जीरो को बीच में से। फिर दूसरा आ रहा है 1/2 से प्लस इन्फिनिटी, तो 1/2 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन है, और यहाँ से कहाँ तक है, प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी मतलब इधर तक चला गया, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, तो ये है -1/√2 से +1/√2, तो -1/√2 इंक्लूडेड है, ठीक है, इंक्लूडेड है, तो इस टाइप की जीरो बिंदी लगा देते हैं, और 1/√2 भी इंक्लूडेड है, तो 1/√2 भी इंक्लूडेड है, तो इस टाइप की लगा देते हैं, और इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, मतलब ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। 5/3 से प्लस इन्फिनिटी, 5/3 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पर ओपन लगा देते हैं, और प्लस इन्फिनिटी तक है मतलब इधर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं माइनस इन्फिनिटी से 5/3, तो 5/3 आपका यहाँ पर है, इंक्लूडेड है नहीं है, ठीक है, तो इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन लगेगी ऐसे, और माइनस इन्फिनिटी मतलब इधर लेके आ रहा है। अब इन सभी लाइनों में ये जो लाइनें मैंने लगाई है वो पोर्शन देखें जो दोनों में, मतलब सभी के अंदर कॉमन है। तो एक तो देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें तो है ही, इसमें भी है और इसमें भी है ऊपर, ठीक है, इसमें भी आ रहा है, तो एक तो ये हो जाएगा हमारा। दूसरा आप देखेंगे, देखिए ये वाला पोर्शन,
यहां पर ये वाली लाइन भी कंटिन्यू थी, ये वाली, यहां पर ये वाली लाइन भी कंटिन्यू है, देखिए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, ये और ये भी कंटिन्यू है, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो कहां से कहां तक हो गया आपका सॉल्यूशन? यहां से हो जाएगा आपका -1/2 से -1/3, ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है। अब यहां पर दूसरा होगा आपका, यूनियन लगाएंगे हम यहां, ठीक है, ये दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो यहां से आएगा 1/2। और ये बात आती है कि ये इंक्लूडेड आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यहां इंक्लूडेड है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इंक्लूडेड आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 1/√2 क्लोज्ड इंटरवल आएगी यहां पर, क्योंकि ये जो 1/√2 है इसमें बीच में आ रहा है, तो यहां पर शामिल है ये वैल्यू, यहां पर क्लोज्ड था ही, ठीक है, और यहां पर भी आ रही है बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई? डोमेन। अब इसको हम इससे करा लेते हैं कंपेयर। भाई ये जो है ये इसके इक्विवेलेंट होगी अल्फा, बीटा, यूनियन, गामा और डेल। तो इससे कंपेयर कराएं तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई -1/2, अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई? -1/2। बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/, बीटा की वैल्यू क्या मिल गई? -1/3, ठीक है। और गामा की वैल्यू जो है वो आपको मिल गई 1/2, गामा की वैल्यू क्या मिल गई? 1/2। और डेल की वैल्यू आपको मिल गई 1/√2। अब इन सभी वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्या होगा भाई? हमें फाइंड आउट करनी थी किसकी वैल्यू? 18 α² + β² + γ² + δ² इसमें सभी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अल्फा हमारे पास था 1 -1/2, -1/2 का स्क्वेयर करूंगा 1/4, बीटा -1/3, 1/3 का स्क्वेयर करूंगा 1/9, गामा गामा 1/2 का स्क्वेयर 1/4, और डेल 1/√2, 1/√2 का स्क्वेयर करूंगा 1/2। अब यहाँ से इसका ले लेते हैं हम एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 36, ठीक है, 36 एलसीएम हो गया। तो 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 18 पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 18, कैंसिल कर लेते हैं ना, 18 1 जा 18, 2 जा पर कैंसिल कर दिया हमने इसको, तो अपॉन में हमारे पास बचा है 2, ठीक है। 18 और 4 22, 22 और 9 31, 31 और 9 40, तो पूरा 40 हो गया ये, 2 1 जा और 20 पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आपके पास कितना आ गया? 20, यानी कि ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहे हैं और आगे भी लेके आते रहेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।